राष्ट्र का परचम गगन को चूम कर लहरा रहा, अर्थ मेरे अज्ञानता का और भी गहरा रहा। देश की प्रतिभा सराही जा रही है विश्व में, कोटि जनता का हृदय बिन जान के कुमला रहा। कोटि जनता का हृदय बिन जान के कुमला रहा। आइए हम ज्ञान का दीपक जलाएं, आइए अक्षर सुधारस का पिलाएं, हम बचाएं लाज अपने पूर्वजों की, विश्व के गुरु की मिली थी इनको संज्ञा। आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा। आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा। हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। बेटा, तुमने रश्मि को अपने कैम्ब्रिज के अनुभव के बारे में बताया? कहाँ दादू, कुछ भी नहीं बताया। बताने लायक है ही क्या दादाजी? बेटे, रश्मि की जिज्ञासा है वहाँ के एकेडमिक एटमॉस्फेयर को जानने की। भिन्न भिन्न परिवेश वाले छात्र छात्राओं की संस्कृतियों को तुम्हारी आंखों से देखना चाहती है वो। मैं आपको बताना तो नहीं चाहता दादाजी, दरअसल जो छवि आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एक विद्या मंदिर की मेरे दिल में बिठाई थी, ऐसा कैम्ब्रिज में मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो भैया, आप लंदन में गुरुकुल ढूंढ रहे थे। अच्छा दद्दू, एक बात मुझे समझ नहीं आती, जब हमारे देश की प्राचीन शिक्षा पद्धति इतनी समृद्ध थी तो फिर हमारे देश के लोग विदेश क्यों जाते हैं पढ़ाई पूरी करने? बेटे, शिक्षा पद्धति तो हमारी ही सदा से सर्वश्रेष्ठ रही है। आज दुनिया में जो भी ज्ञान विज्ञान का विस्तार तुम देख रही हो, दुनिया की तथाकथित ताकतें जो अपनी बड़ी बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों की डींगे हाँक रही हैं, उस सब का सब हमारी शिक्षा पद्धति में पहले से ही था। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी उस पद्धति को आधुनिकता के अनुरूप नहीं ढाल पाए, अन्यथा एक समय वो था जब हम विश्व गुरु कहलाते थे। हमारे तक्षशिला और नालंदा जैसे विद्यालय विदेशी छात्रों और शोधकर्ता विद्वानों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा करते थे। तो दद्दू, अब ये सब कहाँ चला गया? तक्षशिला और नालंदा जैसे शिक्षा केंद्र कहाँ लुप्त हो गए? बेटा, ये एक लंबी कहानी है। वास्तव में एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारे इन केंद्रों को लूटा गया, हमारी संपदाओं को नष्ट किया गया, और तो और अपनी जिन प्राकृतिक संपदाओं को हम सदियों पहले खोज चुके थे और अपने व्यवहार में लाते थे, उन पर भी आज विदेशी ताकतें अपना हक जमा कर बैठ गई। इट मींस हल्दी, नीम और तुलसी की कंट्रोवर्सी इसी वजह से है। हाँ, बिल्कुल ठीक समझे बेटा तुम। चलो खैर छोड़ो, चलो बेटा खाना तैयार है। तेरे से कह रहा था। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स मेरी गाड़ी में रखवा दो, मैं पिताजी को देने के लिए घर ले जाऊंगा। आओ सतपाल, बैठो। कैसे हैं? ठीक है। आज क्या बोर्ड की मीटिंग थी? हाँ, बोर्ड मीटिंग से ही आ रहा हूँ। क्या फैसला लिया बोर्ड ने? फैसला क्या लेना था, वही रूटीन मीटिंग। सभी अक्षय से मिलना चाहते थे इसलिए बुला ली, और अक्षय को आज फॉर्मली चेयरमैन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अनाउंस कर दिया गया। हाँ, तुम बताओ क्या जरूरी बात करना चाहते थे? वही
अक्षय के मैरिज प्रपोजल के बारे में? लगता है राजीव भाई लड़की वाले बड़े भाग्यशाली हैं। आज पहली बार अक्षय ऑफिस में आए और आज ही उनके लिए प्रस्ताव लेकर मैं भी आ गया। तुमने पिताजी से बात कर ली? हाँ, उनकी नॉलेज में तो है। मैंने सोचा पहले तुमसे डिटेल में बात कर लूं। अमेरिका कनाडा से कई नाराज के फोन आ चुके हैं। मैं तो बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, जमाना बहुत बदल गया है। मैंने सोचा था अक्षय खुद आकर किसी लड़की को प्रपोज कर लेगा और हमारा धर्म संकट दूर हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई इशारा किया उसने? अभी तो किसी को कुछ बताया नहीं। राजीव भाई, मैं चाहता हूँ अक्षय का ब्याह एक बड़े परिवार में। अकेला बेटा है, अच्छी ससुराल मिलेगी, आगे भी उसके लिए अच्छा ही रहेगा। ये लोग बड़े तो हैं ही, पूरी दुनिया में इनका बिजनेस है। मैं पिछले साल ही विदेश गया था तो इन्हीं का मेहमान था, इसलिए पूरे परिवार को बहुत अच्छी तरह से देखने और समझने का मौका मिला। और अब तो ये लोग ज्यादा वक्त हिंदुस्तान में ही लगाएंगे। इतनी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। सतपाल यार, तुमको तो एक भी कोलैबोरेशन मिला नहीं आज तक। राजीव भाई, ऑफर्स तो बहुत मिली पर मैंने एक्सेप्ट नहीं। बस अमन विलायत से आकर बिजनेस संभाल लेगा, इसी का इंतजार कर रहा हूँ। सतपाल, तुम प्लानवादी विचारधारा के हो, अगर प्रगतिशील विचारधाराओं के होते तो आज तुम्हारी यह हालत ना होती। हम भी तुम्हारी तरह थे, लेकिन प्रगतिशील विचारधाराओं की वजह से हम आज 2 से 4 और 4 से 6 मिलों के मालिक हैं। तुम है क्यों रहे? आप ठीक कहते हैं राजीव भाई, सब अपनी अपनी किस्मत की बात है। अच्छा, चलता हूं। इस मैरिज प्रपोजल के बारे में सोच लीजिएगा और हो सके एक बार लड़की को जरूर देखिए। ठीक। हेलो, यस रश्मिया। ओ हाय लिंडा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। No, actually, Akshay's in town, but he's gone out for some work. Mm-hmm. Oh, so you're his classmate. That's great. Message? Pardon? Oh, so you're coming to India. That's great. So when are you coming? Oh, definitely. I'll tell him to call you up. So I'll be waiting for you, Linda. Okay, bye. Bye. हाय रश्मि। हाय भैया। भैया वो आ रही है। कौन आ रही है? वो आ रही है। बाबा कौन आ रही है? अच्छा छोड़ो भैया, आपको टिंडा पसंद है? टिंडा? कुछ खास नहीं। अच्छा टिंडा नहीं तो लिंडा पसंद है? लिंडा? हाँ भैया, वही लिंडा जिसके साथ आप पिकैडली सर्कस में घूमने जाते थे। अच्छा, फोन आया था उसका? आया था। क्या कह रही थी? भैया उसे फोन करो, वो इंडिया आ रही है। शी इज कमिंग टू इंडिया? व्हेन? भैया ये चक्कर क्या है? हाँ, आप लिंडा को कब से जानते हो? और खूबसूरत तो है ना वो? हाँ खूबसूरत है, पर ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है। उसका एक बॉयफ्रेंड है, हेनरी। नेक्स्ट मंथ उसकी शादी हो रही है। ओ, इसका मतलब विदेशी भाभी का कोई चांस नहीं? नो चांस, इंडिया इज द बेस्ट। मैंने जब शुगर डिवीजन के सीएमडी पद से इस्तीफा देने की इच्छा व्यक्त की थी तो उसका कुछ मतलब था, लेकिन बोर्ड ने बिना मेरे विचार जाने, बिना मुझसे कुछ पूछे, मुझे उस पद पर कंटिन्यू कर दिया, जैसे मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो।
बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कही बात का कुछ अर्थ ना रह गया हो। चाचा जी तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। सॉरी बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। अक्षय को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का चेयरमैन बनाने का मतलब क्या है? उसने जब से होश संभाला तो पढ़ने के लिए विदेश चला गया, और अब जब वापस लौटा है तो तुम उसे फिर उसी विदेशी तकनीक और विदेशी तकनीशियनों के बीच महानगर के वातानुकूलित चैंबर में कैद करके रख देना चाहते हो? तुम में अगर थोड़ी सी भी अक्ल होती तो इस अवसर पर दिए गए मेरे इस्तीफे का अर्थ समझते। गांधी जी जब बैरिस्टर बनकर भारत आए थे तो उनके लिए देश के सभी न्यायालयों के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने को बाहर और कोर्ट में कैद करने के बजाय लोगों के बीच जाना ठीक समझा। वे इस देश से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, इस लड़ाई के लिए जनमानस को तैयार करना चाहते थे। वे अपने मिशन में कामयाब हुए। सारी दुनिया ने देखा कि उनके अहिंसा के मंत्र ने कैसा जादू जगाया। पूरा देश उस जादू के प्रभाव से जाग उठा। आज भी गांधी दर्शन उतना ही प्रासंगिक है। मैं मानता हूं हर व्यक्ति गांधी नहीं हो सकता, ना ही उतना बड़ा त्याग कर सकता है, पर जो वो सहजता से कर सकता है वो तो करे। अक्षय भी नवयुवक है, उसमें उत्साह है, लगन है, उसे इस देश के जनमानस को समझना होगा, और इसके लिए उसे यहां के मेहनत कश लोगों को समझना होगा, और ये अवसर उसे हमारा शुगर डिवीजन सहजता से उपलब्ध करा सकता है। लेकिन तुम उसे उसकी जड़ों से काट देना चाहते हो? मैं पूछता हूं, क्या नुकसान दिया है तुम्हें हमारे शुगर डिवीजन ने? क्या डूबा है तुम्हारा पेपर और फार्मेसी मिल्स में? आज भी सबका सब लाभ कमा रही है। किसी को तो देश और समाज की चिंता करनी चाहिए। क्या करोगे इतने पैसे का? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आज शुगर मिल्स की हालत खराब है, किसान परेशान है, कोई भी आधुनिकीकरण करना नहीं चाहता, घबरा रहे हैं सबके सब। हो सकता है ऐसे में अक्षय के हाथ से कोई चमत्कार हो जाए। मेरा तो बस यही सुझाव है कि तुम मेरे स्थान पर शुगर डिवीजन का चेयरमैन अक्षय को नियुक्त कर दो। तुम खुद कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का काम देख सकते हो। हां, अगर इस काम में अक्षय की मदद की आवश्यकता तुम्हें लगे तो वो ले सकते हो। ठीक है पिताजी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाकर सब तय कर देता हूं। आओ सतपाल। क्या बात है सतपाल? चाचा जी, मैं अक्षय के शादी के बारे में। मैं अभी इस विषय में कोई बात करना नहीं चाहता। ठीक है चाचा जी, मैं फिर दोबारा आ जाऊंगा। दद्दू, क्या बात है दद्दू, आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा? नहीं बेटे, कोई खास बात नहीं है। बिटिया, अक्षय की शादी के लिए आजकल बहुत प्रस्ताव आ रहे हैं। अक्षय ने कभी तुझसे इस विषय में कोई बात की? दद्दू, मैंने भैया से इतनी बार पूछा, पर मुझे नहीं लगता कि भैया की दिलचस्पी किसी विदेशी लड़की में है। दद्दू, मुझे लगता है कि भैया को खालिस हिंदुस्तानी लड़की चाहिए। अच्छा दद्दू, पता है भैया क्या कहते हैं? क्या कहता है? कहते हैं इंडिया इज द बेस्ट। बोता किसका है? दद्दू, अब आप भैया के लिए हिंदुस्तानी लड़की ढूंढना शुरू कर दीजिए। Hmm.
राजीव बेटा, हो सकता है मेरे कल के निर्णय से तुम्हें ठेस लगी हो, तुमने अपने आप को अपमानित महसूस किया हो, पर बेटा मेरा उद्देश्य तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। मैं तो ये चाहता था कि अक्षय जो हमारा आने वाला कल है वो अपने समाज से जुड़ा रहे, अपनी मर्यादाओं से जुड़ा रहे, और ये तभी हो सकता था जब वो समाज के निचले से निचले तबके तक पहुंचता। इसीलिए मैंने उसे शुगर डिवीजन में भेजने का फैसला लिया। पिताजी, अक्षय के बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल आपको है। आपने जो भी निर्णय लिया है वो उचित ही है, उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? देखो बेटा, अक्षय अभी बच्चा है, वो अभी विदेश से शिक्षा प्राप्त करके लौटा है। हो सकता है उसकी विचारधाराओं में, उसकी मानसिकता में पाश्चात्य संस्कृति हावी हो। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि उसका कोई भी कदम हमारी सीमाओं को ना लांघ पाए, हमारी मर्यादाओं को ना तोड़े। पिताजी, मैंने स्वयं दादाजी द्वारा स्थापित परंपराओं का पालन करने का प्रयास किया है। हो सकता है समय के साथ चलते चलते शायद कहीं भूल हो गई हो। जहाँ तक अक्षय का प्रश्न है, उसके बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल आपको है। आप ही उसके पहले गुरु हैं, आदर्श हैं। मुझे विश्वास है आपके द्वारा उसको दिए हुए संस्कारों में कभी कोई विकृति नहीं आएगी। मेरे पास समय बहुत कम है, मैं जितना कुछ कर सकता था मैंने किया। अब आने वाले कल की जवाबदारी तुम्हारी है। ये दायित्व तुम्हारा होगा कि तुम इस बात का सदा ध्यान रखो कि जिन सामाजिक मूल्यों के प्रति हमारा परिवार वचनबद्ध रहा है, जिन आस्थाओं के प्रति हम समर्पित रहे हैं, उनमें कहीं कोई ठेस ना आने पाए। ठीक है पिताजी, जो भी आपके आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, विचार हैं, उनका पूरी तरह से पालन करने का मैं प्रयत्न करूंगा। कौन? सतपाल? हाँ बेटा, आयुष्मान, आयुष्मान। सतपाल बेटे, तुम उस दिन कुछ कह रहे थे अक्षय के विवाह के बारे में। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। अरे आओ बेटा, आओ आओ बहू, बैठ। बेटा, वो सतपाल अक्षय के विवाह के बारे में कुछ प्रस्ताव लेकर आ रहा है, तुम लोग भी सुन लो और जैसा ठीक लगे वैसा करो। पिताजी, जैसा आप ठीक समझे। बाबूजी, मैंने तो बात की थी, मैंने सतपाल से कहा था कि वो आपसे ही बात कर ले। ठीक है, आ ही रहा है तो सुनने में क्या हर्ज है, देख लेते हैं। प्रणाम चाचा जी। आओ आओ सतपाल, आओ बेटा। और राजीव भाई, नमस्कार। बैठो बेटा। हाँ सतपाल, क्या कहना चाहते थे? चाचा जी, मैं अक्षय की शादी के लिए एक प्रस्ताव पर आपसे बात करना चाहता था। बड़े लोग हैं, लड़की बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी है, खानदान भी बहुत अच्छा है। अच्छा, और क्या क्या है? चाचा जी, जब भी मैं विदेश जाता हूँ इसी परिवार में ठहरता हूँ। लड़की बहुत सुशील है, अक्षय की जोड़ी खूब जमेगी, और उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। कितने दिनों से जानते हो इन लोगों को? करीब 2 साल से चाचा जी। बेटे सतपाल, जीवन भर के रिश्ते जोड़ने के लिए सिर्फ 2 साल की पहचान काफी नहीं होती।
अच्छे लोग हैं चाचा जी, प्रतिष्ठित परिवार है, खानदानी रईस है, कि लड़की बहुत अच्छी है। सब कुछ अच्छा इसलिए है सतपाल, क्योंकि तुम खुद अच्छे हो। यहां प्रश्न अच्छे होने का नहीं, अच्छे संस्कार होने का है। जो परिवार पीढ़ियों से विदेश में रह रहा है, उसमें अपने भारतीय संस्कार और सभ्यता कितनी बची है, ये कहना मुश्किल है। इसका मतलब चाचा जी, जो प्रस्ताव मैं लाया हूं उसका कोई अर्थ नहीं? हाँ, कोई अर्थ नहीं तुम्हारे लाए इस प्रस्ताव का। तुम ये प्रस्ताव लाए ही क्यों? अक्षय जो हमारे कुल का दीपक है, तुम उसे एक विदेशी लड़की के हवाले कर देना चाहते हो? माफी चाहता हूं चाचा जी, मैं तो आप सबके और अक्षय की भलाई के लिए कर रहा था। नहीं तो आप लोगों के सामने भला मेरी क्या औकात? और मैं तो आज भी ये समझता हूं कि वो लड़की इस परिवार के लिए बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी औकात क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और तुम हमारे परिवार की कितनी भलाई चाहते हो ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो कभी अक्षय और अपने बेटे में अंतर नहीं किया, और ना ही कभी आपने राजीव में और मुझ में अंतर समझा। तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अक्षय के ऊपर अपना अधिकार समझने की गलती की। हाँ हाँ, तुमने गलती की। तुम अधिकार की परिभाषा ही नहीं समझते हो तो मूल्यों की गहराई को क्या समझोगे? क्या सोचकर आए थे कि जो भी कोई ऐरा गहरा प्रस्ताव लेकर आओगे मैं उसे आंखें मूंद के स्वीकार कर लूंगा? खबरदार, जो कभी अक्षय के लिए शादी का कोई भी प्रस्ताव लेकर यहां आए तो। मैंने अक्षय के लिए लड़की देख ली है। आप लोगों को अब इस बारे में कोई भी प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है चाचा जी, चलता हूं। पाल, अरे कम वक्त, इस घर की बहू बनने का अधिकार यदि किसी को है तो सिर्फ तेरी बेटी रिचा को है। चाचा जी, गुदड़ी में लाल छुपाए बैठा है और हमें कांच की गोलियों से बहला रहा है। राजीव, बहू, मांगो इससे ऋचा का हाथ अक्षय के लिए। यदि ये मना करेगा तो मैं इसे बहुत मारूंगा। अरे आ गया बिटिया। अच्छा दादू, भैया के एंगेजमेंट के बारे में क्या प्लान्स हैं? बेटा, एंगेजमेंट के बारे में क्या प्लानिंग करना? किसी भी शुभ मुहूर्त में कन्या पक्ष वाले और वर पक्ष वाले आपस में मिल बैठ जाएंगे और अंगूठियों का आदान प्रदान कर लेंगे। दादू, ये तो कोई बात नहीं हुई, कुछ तो धूम धड़ाका होना चाहिए। और फिर वैसे भी इतने दिनों बाद घर में कोई फंक्शन होगा। बेटा, एंगेजमेंट तो ऐसे ही होने दो। हाँ, शादी के समय देखेंगे। वैसे तो मैं शादियों में धूम धड़ाके और फिजूल खर्ची के बहुत विरुद्ध हूँ। क्या दद्दू, एक ही तो भैया है मेरे। बेटा, कन्यादान है ये, और हमारी परंपरा के हिसाब से कन्यादान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। बेटा, ये एक तरह का यज्ञ है जिसमें हर कन्या पक्ष वाले को अपनी हैसियत के हिसाब से आहुति डालनी चाहिए। आज जब भी मैं समाज में चारों ओर देखता हूं तो अनावश्यक वैभव प्रदर्शन की होड़ लगी हुई है। जैसे हर कोई अपनी शादी को ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, और अगले साल पता चला कोई और सवा शेर मैदान में आ गया। अच्छा बेटा, चलो जरा मेरे साथ भीतर चलो, तुमसे और बहुत जरूरी बातें करनी है। आओ, ऐसा है।
याद है बेसंत वे अपने मनीषी, विश्व भर को स्वयं के दर्शन दिए थे, ज्ञान और विज्ञान का आलोक पाकर विश्व मानव के मलिन मन खिल उठे थे। स्वर्ग में वो सोचते क्या आज होंगे, ज्ञान को जो धर्म अपना मानते थे। आइए हम राष्ट्र को शिक्षित बनाए, अज्ञान के संताप को दिल से मिटाए। आज यदि ऐसा नहीं हमने किया तो होगी ये उन देवताओं की अवज्ञा। आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा। आइए हम आज